तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एक न्यू गेम प्ले में। तो गाइस, आज से नया सीजन स्टार्ट हो जाता है और इसी सीजन में मैं स्क्वाड में कॉन्करर लगाने वाला हूँ। तो ये मैं दो गेम प्लेज डाला हूँ, तो ये दोनों गेम प्लेज कॉन्करर रैंक पुश के है। तो गेम प्ले देखने में तो आप सबको बहुत मजा आएगा, तो वीडियो जरूर एंड तक देखना। तो वहाँ पे फाइट फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे स्कूल में आ जाता हूँ और स्कूल में लूट रही होता हूँ, तभी मेरा टीममेट बोलता है कि गाड़ी आई करके। तो जैसे ही गाड़ी आती है तो मैं देखो वो बंदों को कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे इसके एक बंदे को तो मैं गाड़ी से उतार देता हूँ और दूसरा आगे रुक जाता है, तो वो बंदे को देखो हम लोग कैसे मारते हैं। तो गाइस, ये बंदा मेरे को मार सकता था अगर ये ओपन में नहीं लेटता। मेरे पास DBS है और ये ओपन में लेट के मेरे को स्प्रे दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको DBS इजीली चिपका दी। और इसको फिनिश करने के बाद मैं इसको लूट लेता हूँ, और लूटने के बाद यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है। तो यहाँ पे मैं TPP ले रहा होता हूँ कि बंदा जैसे है उसको मैं DBS चिपका दूँ, बट बंदे तो ऊपर नहीं आते। तो मैं सोचता हूँ कि नीचे बंदा अगर मेरे को दिख जाए तो मैं उसको इजीली DBS चिपका दूंगा, तो मैं ही नीचे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा कितना भी कैंप कर ले या कितनी भी TPP ले ले, भाई मेरे पे DBS है, मैं तो इजीली मार दूंगा इनको। और मैंने इनको मार भी दिया, बट इनको मारने के बाद और एक स्क्वाड यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे ये बंदे एक एक करके घुस रहे थे, तो मैं इनको एक एक करके DBS भी चिपका रहा था। मेरे लिए बहुत इजी हो रहा था इनको मारना। इनको मारने के बाद यहाँ पे और एक बंदा बचता है लास्ट वाला, और मेरा एक टीममेट एक बंदे को नॉक कर देता है। तो जो लास्ट वाला बंदा होता है वो नीचे होता है, तो देखो उसको कैसे मारते हैं। तो स्कूल की फाइट खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा होल्ड करते हैं, फिर लास्ट जोन आ जाता है और 6 ही बंदे बचते हैं। तो मैं बंदे ढूंढने लगता हूँ, तभी ये बंदा आता है और फिर वॉच आउट। तो पूरे मैच में मैं बंदों को शॉटगन चिपका रहा था और लास्ट में ये बंदा मुझे शॉटगन चिपका देता है, बट कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग #2 आते हैं और ये मेरा फर्स्ट मैच था फर्स्ट डे का, और इसमें मेरे को अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। उसके बाद ये जो ये वाला सेकंड मैच है, तो सेकंड मैच में हम लोग अपार्टमेंट उतरते हैं याशना वाले। तो यहाँ पे देखो फाइट्स कैसे होती है। हाँ, तू घुसेगा कहाँ? चल ना। हाँ जा। Mark the location. Help!
तो यहाँ पे मुझे लगा था कि बस एक ही बंदा होगा तो मैं उस पर रश मार के उसको मार दूंगा, बट यहाँ पे गाइस दो बंदे निकलते हैं और यहाँ पे मैं नॉक ही हो जाता अगर मैं ये शॉटगन अगर उसको नहीं चिपकती तो मैं यहाँ पे नॉक होने वाला था, बट कोई नहीं, वो बंदा उसका जो एक बंदा था वो नीचे कूद जाता है और एक बंदा मेरे पे रश मार देता है तो मैं उसको ईजिली नॉक कर देता हूँ। उसको मारने के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा बंदे उतरे नहीं थे क्योंकि यहाँ पे मेरी रैंक बढ़ गई थी, तो मैं सीधा ये बिल्डिंग पे आ जाता हूँ और यहाँ से फिर मेरे को फायर आता है। तो देखो भाई बंदे को कैसे मारते हैं, इधर से ईटा पड़ा गया उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बंदे को तो नॉक कर दिया, बट मेरे जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसका किल कोई और चुरा रहा था, बट मैं उसको चुराने नहीं दूंगा भाई क्योंकि केडी बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने को। तो मैं जिसको मैंने नॉक किया था उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद यहाँ पे एक और नीचे बंदा होता है तो ये बंदे को मैं देखो कैसे मारते हैं। भाई बंदा ओपन में भाग रहा है यार, ओपन में, यहाँ पे मैं भी नहीं मेरी पूरी टीम थी, मरना तो इसका तय ही था भाई। उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक गाड़ी जाती है तो ये गाड़ी को कैसे मारते हैं देखो। तो भाई यहाँ पे ये ड्राइवर को बहुत गंदी गालियाँ पड़ी होगी, बट हमें क्या, हमें तो केडी मेंटेन हो गई हमारी। बट यहाँ पे इन लोगों के साथ फाइट्स ख़त्म करने के बाद हमें और भी किल्स चाहिए थे तो हम लोग पोचिंग की आ जाते हैं और पोचिंग की में देखो यहाँ पे बंदे भी होते। अरे शांत हो गए, वही तो कह रहा हूँ, है तो सही बट बहुत शांत हो गए। शांत नहीं है, सब मेरे नीचे, पकड़ा गया पकड़ा गया। तो यहाँ पे दो बंदे थे और दोनों बंदे के किल्स मुझे मिल जाते हैं। तो इन लोगों को फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये जो पोचिंग की वाला स्क्वाड हाउस होता है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आई, बड़ा हेड बैंक के तो यहाँ पे बंदे होती ही है, बट ये जो हील होता है यहाँ पे भी बंदे होते हैं तो वो हम लोगों को फायर करना स्टार्ट करते हैं, बट ये स्क्वाड हम लोग फिनिश कर देते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं कि आगे कोई एक बंदे को नॉक निकाल सके। तो यहाँ पे नॉक करने के बाद मैं टीममेट्स को कॉल देता हूँ कि गाइस एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया है, अब सीधा बंदों पर रश मारो, और हम लोग रश मार देते हैं। ले ले। तीन बंदे और बचे हैं। देखो वो डेटा पड़ा। ऐसा रहा कुछ? पता आप ठीक? तो यहाँ पे लास्ट के दो बंदे बचे होते हैं और उनको भी और हमको भी जोन में जाना होता है, बट मैं जोन में नहीं जाता, मैं यहाँ से उनको देखता हूँ ताकि वो जब जोन में जाए तो मैं उनको मार सकूँ। Victory belongs to us. तो यहाँ पे हमारा विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है और यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्लस भी मिल जाता है। तो ये जो लॉबी होती है ये डायमंड की लॉबी होती है और ये मेरा फर्स्ट डे का फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच होता है तो यहाँ पे मस्त सा प्लस मिल जाता है अपने को। और इसी के साथ गाइज अगर आपको ये गेम प्लेस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आगे जब मैं कॉन्करर पहुंचूंगा तो वहाँ पे बहुत हार्ड लॉबीज आएगी तो वो गेम प्ले देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना।